नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थी। सभी 7 राजकुमारियां बहुत सुंदर थी, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम सुनैना था। वो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 पुत्रियां बहुत छोटी थी। उसके बाद इन 7 राजकुमारियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। वह चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा न लगे कि उनकी माँ नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता। वो अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगी और वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थी। जब वो राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थी, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आती और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती। राजा की छोटी बेटी सुनैना को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे लताड़ देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वो विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी लताड़ती और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी सुनैना की जो 6 बड़ी बहनें थी, वह अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि सुनैना शांत रहा करो, वो बेचारी विधवा है और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगी और यह उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो, इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वो हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वो विधवा औरत बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वो जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती है। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी पुत्रियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वे मेरा खाना बिगाड़ दें। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थी तो
वह उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वह मुझे क्यों मारना चाहती है? अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना बिगाड़ती हैं। उसकी सातों लड़कियां बड़ी सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी सुनैना उस पर क्रोधित हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। सुनैना उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती है। फिर सुनैना की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वो आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ियां लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वो औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वो प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। अब वो विधवा से रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई सातों लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये सातों राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी, जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे। वह और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेंगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी और नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वह राजा की सातों पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वह उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी,
उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थी, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। वो सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे 7 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहाँ जाकर वह अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगी, माँ क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही है। माँ अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी वह दुखी होती, वो अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वो सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियाँ भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वो पेड़ पूरी तरह से ताजे सुंदर और स्वादिष्ट फलों से लद गया। अब वह सभी 7 बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वो अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन 7 बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी कि ये 7 भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन 7 बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ। फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही। इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वो इनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब 7 राजकुमारियाँ अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए वो समाधि के पास पहुँच गई और उसने देखा कि 7 की 7 बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। तभी सुनैना ने उसे देख लिया और उसे देखकर सुनैना ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बढ़ा चढ़ा कर बताएगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन सुनैना की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। ये लड़की तो निर्दोष है। इसकी माँ हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वो लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती है। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। ये सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत है।
ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहाँ से फल खाने से कैसे रोकूं? अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वो अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा ये दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको जड़, तना और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था, ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पेड़ को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि पर से अनार का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। ये देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि अब वहाँ माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है। वो कहाँ जाएंगी और क्या खाएंगी? अनार का पेड़ न होने के कारण अब वो सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्द ही सफेद ठोस बिस्किट की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ बिस्कुटों को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखती कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वो मक्खन बिस्किट का रूप ले लेता है और उस बिस्किट को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था, फिर भी वो सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, न ही वो उदास है और न ही वो दुबली पतली हुई है। फिर वो अपना भोजन कहाँ से खाती है? क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वे खाती नहीं हैं। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वो उन पर नजर रखे और देखे कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गई और जब वो वहाँ जाकर मक्खन से बने बिस्किट को खा रही थी, तभी सबसे पहले सुनैना ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं जिससे वो इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपने बिस्कुट का थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो ये जाकर अवश्य ही अपनी दुष्ट माँ को बता देगी
और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई यंत्र रचेगी। सुनैना की बड़ी बहनों ने समझा कि सुनैना बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सबने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्किट खाने के लिए दे दिए। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारियों के बारे में ये बिस्किट वाली बात पता चली तो वो क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ रानी की समाधि को वहाँ से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। आपकी जो पहली पत्नी से सात राजकुमारियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेलियों पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी, वो मूर्छित होकर गिरने वाला हो गया। लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वो अपनी राजकुमारियों को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मन को कड़ा किया और राजकुमारियों को तलाश करने लगा। राजा ने अपनी सातों राजकुमारियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी सातों पुत्रियाँ अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वो सभी उसके साथ चल पड़ी। वो उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सबके लिए कुछ चावलों को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं, तो वो चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में ये सोचकर खुश था कि चलो हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेंगी कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहाँ से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने ताकि
राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों के चिंघाड़ने की आवाजों को सुना तो उन आवाजों को सुनते ही वे डरकर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला पाकर वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे बादल गड़गड़ा रहे हो। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहाँ शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यही ठहर जाओ। मैं समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से यह आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने छह भाइयों को बताया तो सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वे सातों बहनें विलाप करते हुए रो रही थी। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्यग्रता से उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमारों ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह सातों राजकुमारियाँ हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुनैना से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। सात राजकुमारों की शादी सात राजकुमारियों से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब एक साल बाद सुनैना, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि सात पिता है और सात माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे सुनैना का बेटा दो साल का हो गया। एक दिन सातवें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी सुनैना से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। सुनैना और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। ये जानकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहाँ जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि
उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ चला गया है। वो सभी छह राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल पड़े, लेकिन वे छह भाई भी वापस नहीं आए। ये जानकर सातों राजकुमारियों को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन सुनैना अपने पुत्र को पालने में झूला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काला लबादा पहन रखा था। वो स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था, वह तो एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। जादूगर कालिया ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने वहाँ पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में वो उस कमरे में पहुँचा जहाँ राजकुमारी सुनैना अपने छोटे से बेटे को पालने में झुलाते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। राजकुमारी सुनैना को देखकर वह जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने सुनैना से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी सुनैना अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वो व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी सुनैना ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा ये छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूँगी और इसका पालन पोषण करूँगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास है। उस जादूगर ने उसे बहुत से लोग प्रलोभन दिए, लेकिन राजकुमारी सुनैना जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी। इसका पिता जरूर मिलेगा, लेकिन वो जादूगर न सुनने का आदि नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है, तो उसने उस राजकुमारी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने क्रोधित होकर कालिया जादूगर को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जादूगर कालिया सुनैना पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुनैना को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर कालिया ने कहा कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मेरी इच्छा से मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी सुनैना को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वो इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वह एक कुत्ते के रूप में अपनी विवशता लिए जादूगर कालिया के इशारे में चलने लगी। जादूगर कालिया जैसे ही महल के दरवाजे से पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है। तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारी ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। ये सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद सुनैना की दूसरी बड़ी बहन ने अपने भांजे के रोने की आवाज़ सुनी। जब वो सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गई तो
उन्होंने देखा कि वहाँ कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें सुनैना कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारी ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर सुनैना के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो हमें छोड़कर चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सुनैना के पुत्र को 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वह अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसी उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। वो राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो राजकुमार अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने के लिए बड़ा उतावला हो उठा। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह संसार में कहीं भी किसी भी कोने में जहां भी उसके परिवार वाले होंगे वह उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। उसने अपने इस दृढ़ संकल्प को अपनी मौसी को बताया कि वह अपने माता पिता ताऊ को यदि वे सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियों को उसके दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी होने पर सब उसे रोकने लगी। वो उससे कहने लगी कि वो अपना विचार बदल दे। वे कहने लगी कि बेटा जो लोग जाने थे वे लोग चले गए, अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दें। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो दिया और अब हम भी खोना नहीं चाहती। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। तब लड़के ने अपनी मौसियों से कहा कि तुम मुझे मत रोको, अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वो कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वे अपने सगे संबंधियों को तलाश करें। और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया तब तक वे लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊ के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच वे एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर बड़ी बड़ी चट्टाने, पेड़, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ी और ऊंची पत्थर की कठोर इमारत थी जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की। उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर डरा धमका कर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि ये देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है उसको वो अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो ये सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे, इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी जिसको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है लेकिन वो जादूगर से नफरत करती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही है। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया
जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वह उन बेकसूर और लाचार लोगों को उस जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर और बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में सोचकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि वो भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब इस तरह से दोनों आपस में मित्र बन गए और माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी एक साड़ी पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कालिया अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा वह लड़की कौन है। तो माली की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, कल तुम वहाँ बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी माँ को छुड़ा लेगा। जब सुनैना की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को सुनैना ने तब अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया था जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया। इस तरह से वह अंगूठी उस राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को सुझाव दिया कि तुम कुछ ऐसा इस गुलदस्ते में छिपाकर रख दो जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि यह सब शीघ्र यथा शीघ्र बिना किसी समस्या के बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी सुनैना के ऊपर नजर रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी माँ तक पहुँचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुँचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था तो उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ सुनैना के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही सुनैना ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, सुनैना ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो यह विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया।
अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त कर लिया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वो अपने माता पिता और ताऊ को दुष्ट जादूगर कालिया से मुक्त कराकर ले जाएगा। उसकी माँ ने उसको बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले 12 सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है क्योंकि वो मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, माँ तुमने कालिया जादूगर से 12 सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। अब तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शौक किया, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप ये पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वो अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। सुनैना ने अपने बेटे की सलाह को मानने का निश्चय किया और अगले दिन कालिया जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर कालिया ने सुनैना से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन सुनैना ने उसको कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे उसे उसको थोड़ा और अधिक समय देना चाहिए ताकि वह आपस में और अधिक परिचित हो सके, और उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद सुनैना ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया कि शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे काबू करूँगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूँगी और मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूँगी? कालिया जादूगर ने कहा कि यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक ढका हुआ गोला है जहाँ पर केवल ताड़ के पेड़ हैं और उन ताड़ के वृक्षों के घेरे के केंद्र में 6 बड़े पानी से भरे हुए तालाब हैं जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। छठे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हल्के रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा, जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है। तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े जिन्नों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आएगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। सुनैना की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थी वो सब बातें उसने अपने पुत्र को बता दी। लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर रानी ने उसे तोते को पाने का विचार छोड़ने के लिए कहा। जादूगर के डर से सुनैना को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, माँ जब तक मैं उस तोते को पकड़कर नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंस कर बोलना। तुम उसके साथ अपने विवाह पर बातचीत चालू रख सकती हो। राजकुमार अपनी माँ को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल पड़ा। थकाने वाली सैकड़ों मील लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा,
तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरह से थक चुका था। वहाँ जंगल में वह एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद कुछ शोर होने के कारण उसकी आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक विशाल सांप पर पड़ी जो उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। जिस पेड़ के नीचे राजकुमार आराम कर रहा था उसी पेड़ के ऊपर की शाखाओं पर एक चील के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में चील के दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। चील के बच्चे इस समय घोंसले में अकेले थे। उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते हुए सांप को देख लिया था। सांप को बढ़ते हुए देखकर वे डर के मारे चिल्ला रहे थे। उन चील के दो निर्दोष बच्चों पर आने वाले खतरे को देखकर राजकुमार ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और उस सर्प के दो टुकड़े करके उसे मार दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी तब राजकुमार ने हवा में सरसराहट की आवाज को सुना। देखते ही देखते दो वृद्ध चील आकर उस घोंसले में बैठे। वे दो वृद्ध चील अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए शिकार पर गए थे। बच्चों के लिए लाए हुए भोजन को घोंसले में छोड़कर उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने जल्दी ही मरे हुए सर्प को और उसके समीप ही तलवार पकड़कर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा। ये सब देखकर वे दोनों वृद्ध चील उड़कर राजकुमार के पास आ गए। उन बच्चों की माँ मादा चील ने राजकुमार से कहा कि हमारे बच्चों के रक्षक ये क्रूर निर्दयी सांप पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन आज तुमने इस विषैले सांप को मारकर मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से हमारी की जरूरत पड़े तो हमें याद करना। हम तुम्हारी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे और तुम हमारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। तुम अपने सेवक की तरह इन्हें अपने पास रखना। ये सुनकर राजकुमार बहुत अधिक खुश हो गए। उनके पूछने पर राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। चीलों ने कहा कि इस जंगल में तुम्हारे बताए हुए स्थान को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों चीलों ने अपने पंखों को फैलाया और उस पर राजकुमार को बैठा लिया और उसे लेकर वे आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। वे उस राजकुमार को अपने पंखों पर बैठाकर बहुत दूर दूर तक ले गए। जब वे उसे लेकर घने जंगल में पहुंच गए तो एक स्थान पर उन्होंने गोल घेरे में उगे हुए बहुत सारे ताड़ के पेड़ कतार से खड़े हुए देखे। आकाश में अपने सर को उठाए हुए उसके मध्य में छह पानी से भरे तालाब भी थे। ये दिन में दोपहर का समय था, इसलिए इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे जिन, राक्षस और शैतान सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। वे सब अनगिनत हजारों की संख्या में थे। ये किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई साधारण व्यक्ति इन असंख्य दैत्यों और राक्षसों को आमने सामने की लड़ाई में हरा दे। इस बीच चील अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे की तरफ उतरने लगी। जब वह जमीन से थोड़ा ही ऊपर थी तभी वह राजकुमार चील के पंखों से नीचे जमीन पर कूद पड़ा और उन चीलों के साथ मिलकर राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी छह पानी से भरे तालाब को प्रदूषित कर दिया। इसके बाद उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ियों से होकर राजकुमार उस हल्के रंग वाले तोते के पास पहुंच गया। राजकुमार ने उस तोते को कपड़े में लपेटकर अपने लबादे की जेब में डाल लिया। जैसे ही राजकुमार चील के पंखों पर सवार होकर आकाश मार्ग से अपनी यात्रा को चल पड़ा तब तक नीचे पेड़ों पर रहने वाले सभी झिना राक्षस और शैतान जो अभी तक सोए हुए थे वो सभी जाग गए और सभी उनको आकाश में देखकर चिल्लाने लगे। वहाँ जंगल में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। उन्हें ये पता लगते ही कि उनका खजाना तो गायब हो चुका है, उन सबकी डरावनी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। सैकड़ों मील की उड़ान भरने के बाद
वो चील वहाँ से बहुत दूर अपने घर पर आ गए। यह वही विशाल वृक्ष था जिस पर उनका घोंसला बना हुआ था। वहाँ पहुँचकर राजकुमार ने उन बूढ़े चीलों से कहा कि आप अपने इन छोटे चीलों को अपने बच्चों को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी जरूरत पड़ी तो मैं इनको अवश्य ही बुला लूँगा और आपसे सहायता लेने में मैं कभी नहीं संकोच करूँगा। इसके बाद राजकुमार ने वहाँ से अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर कालिया के महल तक नहीं पहुँच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। ये कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर ये तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर कालिया बहुत अधिक भयभीत हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे ये तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले तो उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल ये तोता दे दो। इसके बाद सुनैना के पति समेत दूसरे राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर कालिया जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले तुम उन सभी लोगों को आज़ाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। कालिया जादूगर ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, सबके सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। इसके बाद वो पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महक आने लगा। वहाँ चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे जो कि सब जीवित होकर सांसें लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर चाकर, सेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या। ताकतवर पुरुष व सुंदर आभूषणों से सुसज्जित औरतें, सैनिकों की टुकड़ियां सब जीवित हो गई। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे ये तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालिया ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप ये तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से उखाड़कर कालिया जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से उखड़कर दूर गिर पड़ा। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कालिया जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने उस तोते के पहले दाएं और फिर बाएं पैर को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर के भी दोनों पैर उसके शरीर से उखड़कर उससे दूर जा गिरे।
जब कालिया जादूगर के शरीर का कोई अंग उसके साथ नहीं रहा तो वो अपनी आँखों को घुमाते हुए रोते हुए राजकुमार से कहने लगा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब राजकुमार ने उस तोते का सर पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे उस तोते के प्राण पखेरु उसके शरीर से बाहर निकल गए। इसके साथ ही राजकुमार ने वो तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालिया के प्राण पखेरु उसके शरीर को छोड़ चुके थे और वो मर चुका था। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर कालिया की कैद से छुड़ा लिया। अब वो सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसी जो उन सभी का इंतजार कर रही थी, वो भी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।